बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यवसाय संगठन। इस सब्जेक्ट में हम पहला चैप्टर से शुरुआत करेंगे यानी व्यवसाय की अवधारणा क्षेत्र एवं महत्व। ये हमारा पहला चैप्टर है यानी बिजनेस कंसेप्ट स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे व्यवसाय क्या है। व्यवसाय से हमारा मतलब होता है वह प्रत्येक प्रकार का कार्य जो मनुष्य के द्वारा किया जाए और जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना हो, जिसमें वस्तुओं को खरीदना और बेचना शामिल हो, यही व्यवसाय कहलाता है। इसमें प्रमुख विद्वान LH हैने उन्होंने भी डिफाइन किया हुआ है अपने शब्दों में। वैसे जब हम विद्वानों की परिभाषाओं की बात करते हैं तो कभी भी अगर आप किसी विद्वान का अगर नाम डाल रहे हैं एग्जाम में, उसको डिफाइन कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने डिफिनेशन जो दिया हुआ है उनकी शब्दों को आप वैसे ही लिखेंगे जैसे उन्होंने अपने डिफिनेशन में यानी अपनी परिभाषा में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने उनके शब्दों को अपनी तरफ से मिला करके पेश करने की कोशिश की तो वह गलत मान लिया जाएगा। कुछ टीचरों के अगर समझ में नहीं आएगा तो वो गलत भी काट सकते हैं। इसलिए आप डिफिनेशन जो कि विद्वानों के द्वारा दी गई हो उसे तो आप वैसे ही बताइए जैसे उन्होंने बताया है, चाहे हिंदी में बताया हो चाहे अंग्रेजी में बताया हो, वैसे ही डिफाइन कीजिए जैसे कहा गया है। तो यहाँ पर LH हैने के अनुसार ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवार्ड्स प्रोड्यूसिंग और अक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। उनका मानना है कि जब कोई मानवीय क्रिया यानी मनुष्य के द्वारा किया गया जाने वाला कार्य अगर धन कमाने के उद्देश्य से किया जाए, उसमें वस्तुओं और सेवाओं को यानी वस्तुओं को बेचना और खरीदना शामिल हो। वैसे इन्होंने सर्विस को नहीं शामिल किया है जबकि सर्विस भी होती है, यानी वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन किया जाए जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना हो यानी प्रॉफिट अर्न करना हो, तो उसी को ही हम व्यवसाय कहेंगे। अब बात करते हैं व्यवसाय की विशेषता क्या है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिजनेस। एक बिजनेस में ऐसी कौन सी विशेषता, ऐसी कौन सी गुण पाए जाते हैं जिससे हम कहेंगे कि हाँ भाई ये बिजनेस है यानी ये व्यवसाय है। अब चलते हैं इसकी विशेषताओं की ओर। तो सबसे पहले इसकी पहला विशेषता है फर्स्ट नंबर इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसे हम कहते हैं आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का मतलब होता है धन कमाने का कार्य, अर्थात कोई भी ऐसा कार्य किया जाए जिसमें धन कमाना मुख्य उद्देश्य हो यानी कि उसमें धन का लेन देन हो। जैसे कोई भी हम काम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए किसान सब्जी उगा रहा है, सब्जी ले जा करके मंडी में बेच रहा है तो वह भी धन कमा रहा है। कोई व्यापारी बाहर से माल खरीद के ला रहा है वो भी बेच रहा है तो वह भी बिजनेस का काम कर रहा है। कोई व्यक्ति प्रोडक्शन मतलब उत्पादन का कार्य कर रहा है, जैसे बिस्कुट बनाना, नमकीन बनाना, कुछ भी कार्य कर रहा है जिसमें वह काम को करता है, वस्तुओं को बेचता है और धन अर्न करता है यानी कि धन अर्जित करता है, वह बिजनेस है यानी वही इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसी को ही हम आर्थिक क्रिया कहेंगे। आर्थिक यानी कि धन कमाने वाली क्रिया। इस प्रकार से पहली विशेषता आर्थिक क्रिया है। अब बात करेंगे इसकी दूसरी विशेषता है विक्रय अथवा विनिमय, यानी हर प्रकार के जो भी कार्य किए जाएं उसमें या तो वस्तुओं को खरीदा जाए या वस्तुओं को बेचा जाए, और इस बेचने और खरीदने में धन अपने आप ही आएगा क्योंकि विक्रय और क्रय यानी सेलिंग एंड परचेजिंग में हमेशा पैसा जरूर आता है। इस प्रकार से व्यवसाय यानी बिजनेस हम उसी एक्टिविटी को कहेंगे जहाँ पर माल को बेचना और खरीदना शामिल हो। तीसरी एक्टिविटी है लेन देन में नियमितता, यानी यह जो लेन देन है, यह जो खरीदने और बेचने का सिलसिला है, यह कंटिन्यू होना चाहिए यानी रेगुलरिटी इन ट्रांजैक्शन, यानी लेन देन में नियमितता होनी चाहिए। यह रोजमर्रा की लाइफ में डेली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज भाई दुकान खोला है
तो 6 महीने बाद खोलेंगे, तो फिर बिजनेस कहाँ हुआ? फिर तो वो समझ लीजिए कि वो इलीगल बिजनेस हो गया एक प्रकार से, जो कभी आता है और एक बार में ही लाखों करोड़ों वारे न्यारे करता है। इसका मतलब कोई गलती काम कर रहा है, वो सही काम नहीं कर रहा है, तो वह बिजनेस बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसके बाद चौथी विशेषता आती है लाभ उद्देश्य, यानी प्रॉफिट मोटिव। इसका मतलब ये होता है कि जो भी व्यवसाय किया जाए उसका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। अगर हम प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे हैं तो बिजनेस किस बात का भाई? बिजनेस हम जब ही तो मानेंगे जब हमें फ़ायदा हो रहा हो। अगर हम फायदा, मान लीजिए कोई चीज़ 10 रुपये खरीद के लाएँ, 10 रुपये में बेच दें, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो फिर आप अपने अगले दिन कहाँ से खरीदोगे? भाई 10 रुपये के खरीदना, 10 ही का बेचना है, तो फ़ायदा क्या हुआ? कहाँ ग्रोथ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि व्यवसाय तभी व्यवसाय माना जाएगा जब उस व्यवसाय में ये विशेषता शामिल हो, प्रॉफिट मोटिव का, यानी प्रॉफिट यानी लाभ का उद्देश्य शामिल हो। इसकी अगली विशेषता है जोखिम एवं भावी सफलता, रिस्क एंड फ्यूचर बेनिफिट या फ्यूचर सक्सेस। इसका मतलब होता है व्यवसाय उसी को कहते हैं जहाँ पर लोगों के पैसे एक प्रकार से रिस्क बेस हो, यानी कि पैसा लगाया है, फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी, यानी साफ पता चलता है कि वहाँ पर वो सफल हो सकता है और असफल भी हो सकता है। यानी अगर उसका व्यवसाय चल गया तो सक्सेस हो जाएगा, अगर नहीं चल पाया तो पैसा डूब भी सकता है। इसका मतलब है व्यवसाय की अगली विशेषता हमारी जोखिम और सफलता ही है। इसके बाद हम आते हैं अगली में सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि। इसका मतलब होता है जो हमारा सोशल समाज है, यानी जो हमारा सोशल बेनिफिट्स एंड सेटिस्फैक्शन है, वह बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। यानी ऐसी वस्तुएं सेवाएं बननी चाहिए जिससे समाज का भला हो, समाज में हर व्यक्ति संतुष्ट हो, सभी लोगों को वह चीज़ अच्छी लगती हो और उस वस्तु को सभी के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हो, किसी में भेदभाव ना हो, सभी लोग खुश हों। इसलिए अगली विशेषता आती है इसकी, जिसे हम बोलेंगे वैधानिकता, यानी लीगैलिटी। लीगैलिटी का मतलब होता है वह व्यवसाय व्यवसाय कहा जाएगा जो कि कानून की नज़रों में वैध हो, अवैध ना हो, यानी गैर कानूनी कार्य नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने बिजनेस में कपड़ा बनाने का लाइसेंस ले लिया, अगर वहाँ पर आप कपड़ा बनाने के बजाय आप चरस, गांजा, अफीम, भांग, कोकीन, कुछ नशीला पदार्थ बेचने लग जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कहा जाएगा कि आप इलीगल बिजनेस कर रहे हैं। इसलिए व्यवसाय की अगली विशेषता यही है कि बिजनेस वैध होना चाहिए, व्यवसाय वैध हो, कानून की नज़रों में मान्य हो, अवैध घोषित ना किया गया हो, इस प्रकार से। इसके बाद अगली विशेषता आती है पारस्परिक लाभ एवं संतुष्टि। इसका मतलब होता है म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड सेटिस्फैक्शन, अर्थात जो भी व्यक्ति इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है उन सभी लोगों को फायदा होना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति ना हो कि भाई हमने व्यवसाय कर रहे हैं और फलाने तो बहुत नाराज चल रहे हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि आपका व्यवसाय कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के लिए हानिकारक हो रहा है, तो इसका मतलब है सभी संतुष्ट कहाँ हैं? तो आपस में भी कोई संतुष्ट नहीं है तो व्यवसाय नहीं बन पाएगा। इसलिए व्यवसाय का उद्देश्य, व्यवसाय का लक्ष्य, व्यवसाय का महत्व अपनी जगह पर एक वैल्यू क्रिएटेड होना चाहिए। यानी व्यवसाय हमने बनाया, हमने बिजनेस किया है, तो उससे कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट ना हो, चाहे व्यवसाय करने वाला, चाहे व्यवसाय से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति। इसकी अगली विशेषता है उपयोगिता का सृजन, यानी क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। हमारे पास जो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है, यानी कि जो हमारे पास उपयोगिता है, व्यवसाय की उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण होती है। समय, रूप, स्थान के हिसाब से अलग अलग प्रकार की उसका यूटिलिटी पाई जाती है। जैसे मान लीजिए स्थान की बात करें, अब स्थान की अगर बात करते हैं तो कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह अगर ले जाई जाती है तो वहाँ पर भी बिजनेस क्रिएट होता है। जैसे कोयले की खान से कोयला निकाल के बिजली घर तक पहुँचाया जा रहा है, तो वहाँ पर भी स्थान की उपयोगिता आ गई, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अगर रूप की बात करें, रूप यूटिलिटी की बात करें, अगर हम उसका फॉर्म को चेंज करते हैं, स्वरूप को बदलते हैं, जैसे लकड़ी से मेज बना दिया गया, तो इसका मतलब है लकड़ी पहले कैसी थी, बाद में उसकी उपयोगिता बदली गई, वह व्यवसाय बन गया।
अगर ऐसा होता है तो हम बिजनेस में ही तो कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कच्चा लोहा है, उससे हमने उसको तराश करके या उसको किसी तरीके से कोई मोटरसाइकिल बनाई जा रही है, कार बनाई जा रही है, लोहे से ही तो सब बन रहे, इंजन बन रहा है। इसका मतलब होता है यह उसका रूप उपयोगिता हो गया। समय उपयोगिता, समय का मतलब होता है कोई चीज़ काफ़ी पहले खरीदा गया था लेकिन समय के हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ गई। जैसे कि पुराना चावल होता है, अगर उसको हम खरीद के रख लेते हैं तो काफ़ी दिनों के बाद खाते तो उसका स्वाद बहुत टेस्टी हो जाता है। इसका मतलब साफ है कि जो बिजनेस है, बिजनेस यानी व्यवसाय है, उसमें उपयोगिता का सृजन भी होता है। अगली हमारी विशेषता है व्यवसाय कला और विज्ञान दोनों है। इसका मतलब होता है कि जो हमारा बिजनेस है वह आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट इसलिए क्योंकि बिजनेस के अंदर बिना टेक्निक के, बिना आर्ट के, बिना एक प्रकार की कला कौशलता के वह व्यक्ति व्यवसाय नहीं कर सकता, क्योंकि व्यवसाय में हर व्यक्ति को निपुण होना चाहिए। अब लल्लू लोगों को कह दोगे कि भाई तुम दुकान में बैठो, सामान बेच दो। अब मूर्ख है तो वो एक रुपया किसी को, मान लीजिए 500 रुपये किसी ने दिया, उसने 150 रुपये एक सामान लिए तो 350 रुपये वापस करने के बजाय 400 रुपये वापस कर देगा। तो ऐसे लोग थोड़ी कलाकारी दिखा पाएंगे। यह भी लेन देन कला होती। कला में क्या क्या आता है? कला के अंदर आता है बातचीत करने की कला, लेन देन की कला, स्वभाव की कला, टेक्निक, तो ये तमाम चीज़ें कलाओं में शामिल हो जाती हैं। जब कोई व्यक्ति दुकान पर आता है तो वह उस व्यापारी के स्वभाव से ही ज़्यादा परिचित होता है। अगर उसका व्यवहार अच्छा लगता है, बातचीत करने का तौर तरीका अच्छा लगता है तो वह हमेशा उस दुकान पर आएगा। दूसरा होता है विज्ञान। विज्ञान से मतलब ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है उसके अंदर वह बुद्धिमानी है, वह चतुरता है जिससे वह अपने व्यवसाय को अच्छा चला सकता है। मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति व्यापार कैसे कर लेगा, बिजनेस नहीं कर पाएगा। इसलिए विज्ञान और कला दोनों चीज़ें व्यवसाय में यानी बिजनेस में शामिल है। तो अगली विशेषता है साहस यानी हिम्मत, वेंचर। इसका मतलब होता है व्यवसाय, हर जगह हर प्रकार के बिजनेस में साहस की ज़रूरत होती है, एक प्रकार के एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत होती है। जो व्यक्ति अपने हिम्मत से, अपने बलबूते बिजनेस को करने में समर्थ है, व्यवसाय कर पाने में समर्थ है, तो बिजनेस की वही तो खूबी है कि वह डर नहीं रहा है, निर्भीकता से, निडरता से व्यवसाय को कर रहा है। तो व्यवसाय की एक खास बात है कि उसमें साहस की भी आवश्यकता होती है। एक विशेषता और बता देते हैं, व्यापक क्षेत्र, जिसे हम बोलते हैं वाइड स्कोप। इसका मतलब होता है व्यवसाय जो होता है वह एक लिमिट में नहीं होता है, उसकी कोई सीमा नहीं है कि हम बस एक ही वस्तु का कारोबार करेंगे बाकी नहीं करेंगे। तो हम कुछ भी कारोबार कर सकते हैं, बहुत बड़ा स्कोप है। कपड़े की दुकान से लेकर हलवाई की दुकान तक, दूध की डेयरी से लेकर के कुछ भी करो, बहुत बड़ा स्कोप है व्यवसाय का। यानी कि हम किसी भी क्षेत्र में अपने बिजनेस को कर सकते हैं। इवन हर व्यक्ति सफलता के मुकाम पर जाने के लिए किसी भी प्रकार के बिजनेस को कर सकता है।